Shruti Smriti Puranam Namami Bhagavatam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Esham Vajrayanam Sutra Bhashya Kau Vande Bhagavantau Puna Puna Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagini आप परसों सुना हम अभी जगत का स्वरूप क्या है, हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। स्वरूप मतलब क्या है, उसका उपादान कारण क्या है। उपादान कारण मतलब अभी गढ़ा ईंट कपरेल सबका उपादान कारण मिट्टी है, आभूषणों को स्वर्ण है। उपादान कारण का लक्षण क्या है पूछा, वो उसका स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं होता है, लेकिन वही अलग अलग आकार में खड़ा होता है, वही अलग अलग आकार में खड़ा होता है ना, वही उपादान कारण। मिट्टी मिट्टी ही है हमेशा, लेकिन एक बार खड़ा आकार में है और एक बार वो ईंट एक बार कपरेल ऐसा हो जाता है ना। इसलिए आभूषण का स्वरूप उसका उपादान कारण ही है, स्वर्ण है ना। उसी प्रकार हम जानना चाहते हैं जगत का उपादान कारण क्या है, अर्थात जगत का स्वरूप क्या है। अभी श्रुति के बारे में ऐसा समझाता है, वो उपादान कारण ब्रह्म है। कैसा समझाते हैं पूछा, सुनो, वो जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म ही वेदम विश्वम समस्तम, पूरा जगत सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा बोलते है ना। इसलिए वो ब्रह्म को जान लिया सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा बोलते यू नो। वैसा मैं मिट्टी ऐसा मिट्टी का स्वरूप को जान लिया, मिट्टी मतलब क्या है तो जान लिया, तो बाद में वो शराबा हो घड़ा हो कुट भी कुछ भी हो वही मिट्टी है मालूम हो जाता है ना। इसलिए वो एक का ज्ञान से सबका हो जाता है, अर्थात कारण एक ही है। इस कारण का ज्ञान हो गया बाद में सारे कार्यों का ज्ञान हो गया, ऐसा बोलते है ना। ओ वही ब्रह्म ही सब कुछ हो गया है ना? अभी सुनो बाद में, वो घड़ा मतलब मिट्टी ही है, मिट्टी ही है हम बोल रहे हैं। वो कंकण को दिखा के ये स्वर्ण ही है हम बोल रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने आगे बढ़ा, बहुत चमत्कार है इसमें देखने के लिए क्या है उसमें, एक वाक्य ऐसा दिखता है लेकिन आगे बढ़ा बहुत रहस्य आता है। कैसा सुनो, मैं अभी
कंकण क्या है जानता हूँ, अंगूठी जानता हूँ, माला जानता हूँ, लेकिन स्वर्ण क्या है नहीं जानता हूँ, है ना। इसलिए मैं एक से पूछा, ये स्वर्ण मतलब क्या है पूछा, उसने क्या दिखाया, अंगूठी को दिखाया, एक स्वर्ण है, वही स्वर्ण है। ऐसा लगा, अरे मैं अंगूठी को मैं जानता हूँ, मैं स्वर्ण को दिखाओ ऐसा पूछ रहा हूँ, वो अंगूठी को दिखा रहा है। बाद में मैंने ऐसा किया और दूसरे से पूछा, ये स्वर्ण मतलब क्या है, वो क्या किया, कंकड़ को दिखाया। अरे क्या हो रहा है, मैं एक को पूछ रहा हूँ और कुछ दिखा रहा है। तीसरा मैं पैसा हो गया, माला को दिखाया, तब मुझे ऐसा लगा वो सबको मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, सब लोग अलग अलग आभूषण को दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है पूछा। वो हर एक आभूषण में स्वर्ण एक ही है, आकार अलग अलग है आभूषण का, परंतु वस्तु एक ही है, समझ आएगा ना आपको। इसलिए मैं जब स्वर्ण को जान लिया तो मुझे ऑटोमेटिकली मालूम हो गया, एक कंकण भी वही है, अंगूठी भी वही है, माला भी वही है, ऐसा मालूम हो गया, है ना। वो हर एक भाषा में ऐसे महात्मा लोग बोलते ही है, हिंदी में भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। और दक्षिण में ऐसा बहुत, ओ एक भक्त ऐसा बोलता है, ए भगवान आप सर्वत्र ऐसा बोलते हैं लेकिन क्या है आप, वो कुछ ना कुछ ऐसा ओ आवरण हो चुका है ना, सर्वत्र आप ही है, तो अभी मैं देख नहीं सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा। बाद में वो ही उत्तर देता, ओ मालूम हो गया, अभी आवरण मेरा अज्ञान एक ही है और कुछ नहीं है, सब में आप ही है, इसलिए इसका मतलब क्या है, मैं आंख से अलग अलग आकार को देखने पर भी बुद्धि से सारे आकारों में जो छिपा हुआ है उस एक ही वस्तु को समझना, स्पष्ट हो गया। सारे आभूषण में एक ही वस्तु है उसको मैं समझ रहा। अब दृष्टांत में एक फायदा क्या है पूछा, स्वर्ण भी प्रत्यक्ष है, सारे आभूषण भी प्रत्यक्ष है, इसलिए जानना आसान हो गया। उपमान क्यों देता है पूछा, उपमान से बहुत कुछ समझ सकता है, लेकिन उपमान को जितना बोला उतना बहुत बहुत नहीं खींच रहा, मैं बोला हूँ आपको, इसलिए वहाँ पर मैं क्या समझना, मतलब वहाँ पर ब्रह्म अप्रत्यक्ष है, यहाँ पर स्वर्ण प्रत्यक्ष है, ब्रह्म ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब क्या है, हम आंखों से नहीं देख सकते, स्वर्ण को देख सकते हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं देख सकते, तो भी यहां पर जो नियम है वही बहुधर भी होता है ना, इसको याद रखो। अभी मैंने कहा आभूषणों को कार्य बोलता है, स्वर्ण को उपादान कारण, कारण ऐसा बोलो, बार बार उपादान बोलने का जरूरत नहीं है, कारण ऐसा बोलो। इसलिए कार्य कारण संबंध क्या है, कारण बोलते हैं उपादान कारण ही है,
इसको मत भूलना। कार्य कारण संबंध क्या है पूछा। अभी दृष्टांत में जो है वही सर्वत्र नहीं होता है। ओ श्रुति तीन दृष्टांत दिया है, क्या है? घड़ा कपड़े इत्यादि, ओ स्वर्ण आभूषण इत्यादि, बाद में वो स्टील में ना लोहा, उसका वो नखरी करता ना नेल कटर है, ये सब कुछ चाकू है, उसका दृष्टांत देता है। इन सब में कारण प्रत्यक्ष है। लेकिन अभी आपको मैं और एक दृष्टांत बताता हूँ, आप हाई स्कूल में पढ़े ही होंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ पर अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष होने पर भी आप जानते हैं। इसको एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो। अभी बर्फ है, पानी है और भाप है, ठीक है, तीनों अलग अलग आकार हैं, एक घन वस्तु, द्रव और वो अनिल जैसा है ना? तो भी आप साइंस द्वारा जानते हैं सब में क्या है, H2O ही है, समझ आ गया ना? H2O को आप नहीं देख सकते हैं, न देखने पर भी तीनों में H2O एक ही है, जानते हैं या नहीं, समझ रहा है दृष्टांत? और एक बोलता हूँ, और कोई और थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है तो आइसोमर्स बोलता है, केमिस्ट्री में आइसोमर्स ऐसा बोलता है, आइसोमर्स एक एक में बहुत अलग 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 प्रकार के होता है। ये जलता है और एक ठंडा करता है, बहुत अलग अलग होता है। लेकिन उसको ढूंढ कर विश्लेषण किया, सब में एटम्स एक ही है। एटम्स से मॉलिक्यूल्स होता है ना? एटम्स वही है, संख्या भी वही है। और तीन चार हाइड्रोजन एटम, तीन चार ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन, ऐसा कुछ होता है, तीन तीन चार ऐसा कुछ होता है। इसमें भी तीन तीन चार है, उसमें भी तीन तीन चार, उसमें भी तीन तीन चार है, नहीं है, लेकिन अलग 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 है स्वभाव। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? अभी हमको एक एक आकार से एक एक फायदा है। अभी घड़ा लिया, पानी भर के रख सकते हैं, ईंट लिया वो दीवार बन सकते हैं, खपरेल किया वो छत कर सकते हैं, उसको समझेंगे ना? अलग अलग वो फायदा के लिए अलग अलग आकार को हम चुनते हैं। जैसा यहाँ पर भरने के लिए कंकड़ है, यहाँ पर भरने के लिए अंगूठी है, यहाँ पर भरने के लिए माला है, अंगूठी को इधर पहना नहीं पहन सकता, इसलिए एक एक आकार से एक एक फायदा है, अलग अलग फायदा है। लेकिन सब में वस्तु एक है ना, समझ गया आपको? सर्वत्र ही है। सुनो, वो वेदांत का विश्लेषण शंकराचार्य जो किया है इतना सुंदर अच्छा है, उसको आप ठीक समझा, वो बहुत कुछ जहाँ कहाँ भी हो आप समझ सकते, इतना सुंदर बोला है शंकराचार्य, है ना? फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, लाइफ में देखो, या जहाँ कहाँ देखो, ये नियम अन्वय होता। आपको मालूम हो गया ना अलग अलग दृष्टांत?
कारण प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो सर्वत्र। तात्पर्य क्या है? कार्य देखने के लिए भी अलग अलग है, उनके गुणों में भी बहुत अलग अलग है। एक एक फायदा को एक एक उपयोग होता है। कार्य कार्य बहुत अलग दिख पड़ता है, लेकिन सब में वस्तु क्या है ढूंढा, वस्तु एक ही है सब में। वो कारण प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो वस्तु एक ही है। स्पष्ट हो रहा है क्या सबको? समझ में नहीं आया तो पूछना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखो क्या जी, ओ स्वर्ण ही है, स्वर्ण ही है सर्वत्र, लेकिन इसको कंकड़ ऐसा नाम क्यों आ गया? अंगूठी ऐसा क्यों नाम आ गया? माला कैसा क्यों नाम? सब कुछ स्वर्ण ही है, नाम अलग अलग क्यों आता है? क्योंकि उनका उपयोग अलग अलग है, इसलिए अलग अलग नाम आता है। समझ रहे? मतलब व्यवहार दृष्टि से देखा अलग अलग है। एक बार बोलो, व्यवहार दृष्टि से कार्य अलग अलग है। लेकिन स्वरूप दृष्टि से एक ही है। बोलो, वो कारण। सर्वत्र सत्य है, सर्वत्र, यत्र कुत्र, ओ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? तमाशा देखो इधर, क्या मतलब? कार्य मतलब क्या है? वस्तु दृष्टिया, वस्तु दृष्टि से स्वर्ण ये क्या है? ये कार्य क्या है? सिर्फ बात है। इस वाक्य को नहीं समझा पूछो, 10 बार बोलता हूं, लेकिन समझना। अंगूठी, अंगूठी बोला, अंगूठी ओ पहनने की दृष्टि से अंगूठी, अंगूठी ही होना है, अलग अलग फायदा अलग अलग हो गया, उसको छोड़ो। लेकिन अभी ज्ञान के दृष्टि से मैं पूछता हूँ, अंगूठी बोला ना, अंगूठी मतलब क्या है? स्वर्ण ही है। स्वर्ण होने पर भी उसको अंगूठी ऐसा क्यों नाम दिया? नाम अलग है लेकिन वस्तु स्वर्ण ही है ना। कंकड़ एक नाम है, वस्तु वही है ना। एक ही वस्तु को अलग अलग आकार, अलग अलग नाम आ रहा है, इसलिए, लेकिन अलग अलग वस्तु नहीं है। इसलिए वो कंकड़ एक वस्तु है और अंगूठिया एक वस्तु है, माला और एक वस्तु है, ऐसा नहीं है। कार्य वस्तु नहीं है, कार्य सिर्फ बात है। क्या जी समझ में आ रहा है? बोल रहा हूँ ना, उसी को बोला, अब फिर भी बात उसी को बोल रहे हैं। फायदा के दृष्टि से है नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से पूछा, ये सिर्फ बात है। तत्व अतत्व बोला, याद रखो, तत्व अतत्व बोला। विकार दृष्टि से अतत्व है, विकार को छोड़कर देखा तो तत्व है। विकार के साथ देखा
अलग अलग प्रकार है, इसलिए आत्तत्व है। स्वरूप दृष्टि से देखा तो तत्व है, एज इट इज। एज इट इज नॉलेज बोला, रिलेटिव नॉलेज बोला, सापेक्ष विकार की अपेक्षा, अलग अलग नाम होता है, लेकिन तत्व की अपेक्षा देखा एक ही है, एज इट इज, यथा तथा। इसलिए वो कारण जो है वो यथा तथा है, एज इट इज। कार्य क्या है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है, अतत्व है। बात केवल एक नाम है, आ गया। वो केमिस्ट्री आ गया तो वो बहुत बोलता है, आइसोमर्स लेकिन कि बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है ना। आरएनए डीएनए बोलता है, वो कितना अलग है, बहुत अलग है, लेकिन उसमें देखा तो वो पांच है, सब एक ही है। इसलिए तात्पर्य क्या हुआ सुनो, बोलता हूँ, अंगूठी माला कंकण सब नाम है, वस्तु क्या है स्वर्ण है, खपरेल ईंट घड़ा नाम है, वस्तु मिट्टी एक ही है ना। वो बाद में ओ भाप है, पानी है, ओ आइस है, बोला अलग अलग नाम है, वस्तु दृष्टि से H2O है। आइस हमारे अलग अलग नाम है लेकिन वस्तु से एटम से की है। सर्वत्र इसको बोलता है वो कार्य जो है वो केवल नाम है। लेकिन फायदा है याद रखो, फायदा नहीं है ऐसा नहीं है। स्वामी जी स्वर्ण को कैसे जानेंगे? माय क्वेश्चन इज दैट द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस वो कैन नॉट कॉन्शियसनेस को नो नो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस तब तक नहीं जाना अभी right. यहाँ पर कहेंगे भाई बहुत आगे बढ़ गया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है right. है ना। अभी वो इसका मतलब क्या है, नाम है, नाम में वो व्यवहार दृष्टि से फायदा अलग अलग है, बोला ज्ञान दृष्टि से क्या फायदा है, पूछा ज्ञान दृष्टि से सुनो, स्वर्ण को मैं नहीं जानता था, समझाने के लिए कंकण से ही शुरू करता है ना, क्योंकि कार्य प्रत्यक्ष है इसलिए कार्य के द्वारा ही दिखाता है, समझ आ गया आपको। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से एक फायदा है, उसको छोड़ो, ज्ञान दृष्टि से क्या है पूछा, कारण को समझाने का सामर्थ्य कार्य को है, कार्य को देखते हैं, कारण को नहीं देख सकते इसलिए दिखा सकता है, कारण को दिखा सकता है, समझा सकता है। इसलिए संस्कृत में इसको बोलता है वाचारम्भण वागारम्भण वागालम्बन ऐसा बोलता है। पेज 42 में है देखो, वाचारम्भण वागारम्भण वागालम्बन का मतलब बोलता हूँ सुन, वाचारम्भण मतलब वाचा आरभ्यते, स्वर्ण को समझाने के लिए
अंगूठी से शुरू करता है। वागारम्भनम उसका भी मतलब वही है, वागारम्भनम मतलब क्या है, वो उसको बोलने के लिए समझाने के लिए ये पद का प्रयोग करता है। पद का वो इस पद का प्रयोग करके ही बोलता है ना, अंगूठी जानता है ना अंगूठी, वहाँ से शुरू करता है। अंगूठी ऐसा बात है ना, उसको सपोर्ट लेकर स्वर्ण को समझाता है। इसलिए वो कार्य का सामर्थ्य क्या है पूछा, व्यवहार में अलग अलग फायदा है, ज्ञान दृष्टि से कारण को समझा सकता है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही बात एक ही है, कार्य मतलब और एक वस्तु नहीं है, कार्य मतलब वाक है, एक नाम है। You are right. That is exactly what I want, what I am conveying. मतलब ये क्या है, आप उसको ही सेपरेट करके देखा, आकार को सेपरेट करके देखा, केवल नाम है, लेकिन फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, कारण को समझा सकता है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विथ कारण, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। कार्य वस्तु ही है। सुनो बोलता हूँ, कार्य कारण के साथ आप जब बात करते हैं वो वस्तु है, कारण के साथ जब बात करते हैं वस्तु है, कारण को छोड़कर स्वतंत्र रूप से बोला केवल नाम है। समझ रहे ना, इसलिए वस्तु बोलते समय कार्य को वस्तु बोलते समय दो दो दृष्टि से देखना, उसमें वस्तु क्या है नाम क्या है, सिर्फ नाम क्या है। हाँ, इसे गोल्डन बैंगल, सो गोल्डन रिंग, गोल्डन नेकलेस, देयरफॉर वस्तु है, सिंपली ऐसा इट इज ओनली नेकलेस, इट कुड बी स्टेनलेस स्टील ऑल्सो, ठीक है, कुड बी एनीथिंग। ओ कारण को छोड़कर कारण ही रहता, इसको हम अलग अलग करके क्यों बात करते हैं याद रखो, कारण को नहीं देख सकता है, कार्य को देख सकता है। सब लोगों को जो देखता है उसमें विश्वास ज़्यादा है, जो नहीं देखता है उसमें विश्वास कम होता है, समझे ना। इसलिए कभी कभी कार्य को देखकर ओ यही सब कुछ यही है ऐसा समझता है, लेकिन जब कारण अप्रत्यक्ष है, देखो दृष्टांत देखो, बर्फ है, बर्फ पत्थर जैसा एक है, बर्फ मतलब क्या है, पत्थर है, ऐसा बोला पत्थर है ठीक है क्या, पत्थर ही है तो वो थोड़ा गर्मी आ गया और गिला जाता है, हो जाता है ना, है कैसा, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रहने वाला वस्तु जो है वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बर्फ बर्फ मतलब पत्थर 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 इतना ही बोलता हूँ, ये ठीक नहीं है। इसलिए वस्तु जब वो कारण जब प्रत्यक्ष नहीं है तब सोचना पड़ेगा, बिना सोच के कार्य को नहीं स्वीकार करना, तात्पर्य मालूम हो रहा है, क्यों इतनी चर्चा, सुनो अंत में हम क्या जानना है,
ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म कारण है, जगत कार्य है, कार्य को देखकर ओ हमको मालूम हो गया, हाँ अभी मालूम हो गया, ऐसा बोला तो ठीक होगा क्या? बर्फ देखकर मालूम हो गया अरे बर्फ पत्थर है, ऐसा बोला ज्ञान ठीक है क्या? समझ आ रहा है? इसलिए कार्य को देखकर उसके स्वरूप के बारे में वो झट से अब मुझे समझा ऐसा नहीं बोल सकता, बहुत सोचना पड़ेगा। स्पष्ट हो रहा है अभी, है ना? फिर एक बार बोलता हूँ सुनो, याद रखो वो कार जो है कान को छोड़कर नहीं है, कार रहने से वो एक वस्तु ही है, वो उसमें समझी नहीं है, लेकिन उसमें वस्तु जो है वो वस्तु में जो देख रहा हूँ वही वस्तु नहीं है, वस्तु बोल रहा हूँ नाम भी दे रहा हूँ लेकिन वस्तु उसमें वस्तु क्या है पूछा, मैं जो देख रहा हूँ वो वही है नहीं है, अंगूठी ही है क्या? स्वर्ण मतलब, स्वर्ण मतलब अंगूठी नहीं है, है ना? इसलिए जब कारण अप्रत्यक्ष है तब झट से कार्य को देखकर हमको मालूम हो गया, ऐसा बात नहीं करना, थोड़ा अंदाजा आ गया आपको? सोच कर करना पड़ेगा, सोच कर मतलब क्या है? मैं जिसको वस्तु बोल रहा हूं लेकिन वस्तु उसके अंदर खुद वस्तु क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानता हो वही वस्तु नहीं है, वही वस्तु ऐसा नहीं लेना, कार्य को देख रहा हो वस्तु और कुछ है उसके अंदर, वो क्या है विचार करना है। मालूम पड़ा? स्पष्ट हो रहा है? इसलिए हम क्या निश्चय किया है अभी, वस्तु जो है उसको अलग करके केवल इसको देखा, ये केवल नाम है, वही वस्तु ऐसा मत समझो। ठीक है ना? ज्ञान की दृष्टि से समझाता है, सब बोला ये फायदा है, और अभी आगे बढ़ता हूं, सावधान से सुना। अभी स्वर्ण ऐसा मालूम हो गया जी मुझे, आभूषण को देखा उसमें वस्तु स्वर्ण ऐसा मालूम हो गया, स्वर्ण ऐसा मालूम होने के बाद आभूषण का मतलब क्या है? व्यवहार दृष्टि से अलग है लेकिन ज्ञान दृष्टि से उससे क्या लाभ है? प्रश्न मालूम हो गया? स्वर्ण जानने के लिए मदद किया, ठीक है, थैंक यू, स्वर्ण ऐसा मैंने समझ लिया, अभी उसका स्थान क्या है? कुछ नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। समझ आ गया आपको? इसलिए वो सिर्फ आकार को लिया, उसको शास्त्र दो प्रकार से इसका वर्णन करता है, दो प्रकार से क्या है ये, वो तत्व को समझाता है जी बहुत अच्छा है, वो भी बोलता है बाद में, उसमें क्या है जी कुछ नहीं है ऐसा भी बोलता है। ए, क्या जी समझ में आ गया सबको? मिथ्या बिकर बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना, नहीं तो भड़क जाते हैं।
नहीं तो भटक जाते हैं। हाँ हाँ फायदा है मान कौन कौन बोला नहीं ऐसा। फायदा को भी दो प्रकार से देखा, व्यवहार से फायदा होना एक, ज्ञान की दृष्टि से फायदा होना क्या, दो दृष्टि से। व्यवहार हो गया, ज्ञान की दृष्टि से क्या समझाया, एक फायदा हो गया। ज्ञान की दृष्टि से समझने के बाद उसका पात्र क्या है, समझेगा ना आपको, मतलब नहीं है। इसलिए वो कार्य को दो दृष्टि से शास्त्र बोलता है, आकार को जो देख रहे हैं उसको सुनो, वो केवल बात है। कब बात है, केवल बात है, अलग करके देखा, अलग करके देखा, केवल बात है। मैं है अभी व्यवहार के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, व्यवहार के बारे में बात करके खत्म कर दिया, अभी ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखो व्यवहार है ही उसमें, नहीं ऐसा नहीं है, अभी ज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे हैं। समझाता है फायदा है, समझने के बाद उसका पात्र कुछ नहीं है। इसलिए सुनो, जब कार्य कारण अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, तब कार्य का ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से फायदा क्या है, कारण को समझाता है, समझने के बाद उसमें मतलब नहीं है। हाँ सिर्फ बात है, मतलब नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। क्यों बोल रहा हूँ उसको याद रखो, वेदांत में आप बार बार सुनते हैं, क्या सुनते हैं, ये जगत को दिखा के ये सब कुछ ब्रह्म है, सुना या नहीं। इसके साथ साथ ये इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको भी सुना या नहीं, सुना या नहीं। कब क्या बोलता है याद रखना, ऐसा क्यों बोलता है, वैसा क्यों बोलता है, किस अर्थ में बोलता है, समझना। उसको समझाने के लिए इतना वर्णन कर रहा हूं, अभी क्लियर हो गया। फिर एक बार सुनो, जगत के बारे में बात करते समय वेदांत में दो वाक्य बोलता है, ज्ञान की दृष्टि से, इसको याद रखो, वो सब कुछ ब्रह्म है, ठीक समझो, सब तो बहुत है, ऐसा बोलता है। उसमें क्या है, ये कुछ भी नहीं है बोलता है। कब बोला, वो जब तक मैं ब्रह्म को समझना है तब तक उसमें कीमत है, समझने के बाद कुछ नहीं है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो, बच्चे रहते हैं, ओ बच्चा को कुछ भी लेके आओ, कुछ भी वस्तु लेके आओ, क्या करता है जी, ऐसा लेता है, ऐसा 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 करता रहता है बच्चा एक साल का, ऐसा ऐसा करता, बाद में ऐसा ही बहुत समय देखता रहता है, बाद में सूंघता है, बाद में छाटता है, बाद में ऐसा 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 मारता है उसको जमीन पर, करता है नहीं, क्या कर रहा है मालूम है, ये वस्तु उसका स्वरूप क्या है सब परीक्षा कर रहा है, समझो, दिस इज साइकोलॉजी। बच्चा क्या कर रहा है, समझ रहा है इसका स्वरूप क्या है, ऐसा पक्का बिठाना, ये एक बार समझ लिया बाद में उसको फेंकता है या नहीं,
समझ में आया? फिर एक बार बोलिए। हमने जान लिया एक जो काले है बैंगल गोल्ड और माला का तत्व तो गोल्ड है। हाँ। हमने ये समझ लिया। जब हमने समझ लिया ये गोल्ड है तो फिर वो माला हो या बैंगल हो या रिंग हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं। ऐसा है। हाँ ठीक है। अभी देखो उसको किस प्रकार से मैं बोलता हूँ। वो लड़की जाती है दुकान को खरीदने के लिए। तो क्या बोलते हैं हरे को देखे यो कितना अच्छा है वो कितना अच्छा है ऐसा इतना कर्व है वो है वो है ऐसे देखते रहती है। कौन लड़की? वो बेचने वाला मर्चेंट क्या है कुछ भी ले लो मुझे क्या है बोलता है ना क्या ना। उसकी दृष्टि से स्वर्ण है इसकी दृष्टि से कार्य है। समझ में आ गया आपको? वो कार्य को इम्पोर्टेंस देती है लड़की ये वो उसको स्वर्ण को इम्पोर्टेंस वो देता है। अभी देखो बाद में उसको बेचना है बेचते समय वो खरीदने वाला स्वर्ण का कीमत जितना है उतना वो पैसा देता है उसके विकार के लिए पैसा देता है क्या? समझ आ गया आपको? इसका मतलब क्या है व्यवहार में भी वस्तु को कीमत है आकार को नहीं है। कीमत है मतलब फायदा के लिए है वो कीमत नहीं है ऐसा वो छत में इसमें कीमत नहीं है और कपड़े को ऐसा छोड़ दो ऐसा नहीं बोलेगा। काम होते समय फायदा है। काम किससे हो रहा है? उसके अंदर वस्तु है इसलिए हो रहा है। अलग अलग को केवल आकार को आकार से कारण नहीं है उसे कुछ फायदा है क्या? स्वर्ण नहीं है केवल आभूषण है इसमें मतलब है क्या? देखिए अच्छा वहाँ पर दुकान में रखता है ना बहुत अच्छे अच्छे आभूषण रखा है वहाँ पर दर्पण को रखा है कितना अच्छा लगता है डायमंड्स सर्वत्र उसको कीमत है क्या? अंदर कीमत किसको है? इसको है ना। केवल आकार को अलग करके हमने दर्पण में देखा उसको कीमत है क्या? बहुत अच्छा दिख पड़ता है। देखो जाओ वो देखने के लिए वो पैसा नहीं पूछेगा। देखो जाओ लेके जाना है तो पैसा देना इसको लेके जाओ कोई उसको नहीं लेता है। इसलिए मतलब क्या है ज्ञान दृष्टि से एक फायदा है समझाता है समझने के बाद उसके किसी भी कीमत नहीं है। वोट जब तक नहीं दिया है आपको तब तक MLA ऐसा ऐसा करता रहता है वोट देने के बाद ये जाओ बोलता है यानी ऐसा ही सर्वत्र ऐसा ही है। समझने के बाद उसको छोड़ो। ठीक है अभी सुनो अभी केवल आकार है एक दृष्टि से देखा तो उसमें वस्तु क्या है पूछा ये लोहा है स्वर्ण है मिट्टी है पत्थर है लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूँ भगवान को देखना चाहता हूँ क्या जी भगवान को उधर देख सकता है? जरूर देख सकता है। क्यों? भगवान सर्वत्र है उसमें नहीं क्या? समझ आ रहा है आपको? इसको याद रखो
ये सिर्फ पत्थर नहीं, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ऐसा बोला, बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको। पहले इधर देखो, यहाँ पर पत्थर का एक लिंग है, उसमें शिव को देखना, अभ्यास करो, शिव को देखो, भक्ति से पूजा करो, बाद में शिव का दर्शन होता है। समझ गया? इसलिए शास्त्र में वो क्रम देता है, तत्व को आखिर में समझने के लिए क्रम देता है। ये सब कुछ कर्म जब देता है, उसमें बहुत तत्व है, सर्वत्र है भगवान, उधर नहीं, क्या है ना? हाँ, वो भी हो सकता। अभी क्या है, वो आकर के साथ मैंने देखा सगुण होता है, आकर के बिना मैंने देखा निर्गुण होता है। आकर को देख के, हाँ हाँ, जैसा सुनो, अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलते समय भाषा जो जानता है वो अर्थ को पकड़ता है, भाषा न जानने वाला कोई बैठा है कुछ समझ सकता है? इसका मतलब क्या है? सुन रहे दोनों एक ही शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन एक समझता है और एक नहीं समझता, क्यों? अर्थ को जानता है, समझ गए ना? इसलिए यहाँ पर जो कुछ देखते हैं वो शब्द है, उसका अर्थ है भगवान, समझ गए ना? सब में एक ही अर्थ है, उस अर्थ को ही पकड़ने के लिए वो निर्गुण बोलता है, उसका द्वारा करने के लिए सगुण बोलता है, हो गया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? वो सगुण का करना थोड़ा आसान है, क्या माँ? सुनो माँ, देखो अभी आप वो शिवलिंग को देखा, बाद में उसमें क्या है, पत्थर है, लिंग है, पत्थर है, पत्थर के अंदर शिव है, ज़्यादा मालूम होता है। सुनो अभी मैं जब बात बोला, सिर्फ शब्द है, थोड़ा थोड़ा समझा, उसमें थोड़ा थोड़ा अर्थ हो गया, बहुत चिंतन करने के बाद पक्का अर्थ हो गया, होता है या नहीं? जितना चिंतन करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा समझता रहता है, क्यों? वहाँ पर अर्थ बहुत अंदर होता है। इसलिए साइंटिस्ट भी क्या करता है, वो बहुत परीक्षा करता है। परीक्षा क्यों करता है? इसका अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, देखता है। यहाँ पर कुछ फोटो में कुछ चित्र आता है, वो ब्लैक होल बोलता है। ब्लैक होल मतलब क्या है? वो बहुत कुछ बोलता है। मैं भी उसको देखता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? समझ आ गया आपको? इसका मतलब क्या है, देखना सब लोग देख सकते हैं, कितना समझता है वो, जितना चिंतन करता है उतना ज़्यादा समझ सकता है। उसको मदद करने के लिए इतनी चर्चा हो रही है। देखो वस्तु, लेकिन उसको समझने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, एकदम अंदर जाना,
वो अंतिम तत्व है। थोड़ा अंदाज आ रहा है? ठीक है ना, नो नो, नॉट लाइक दैट। यू शुड फर्स्ट नो ब्रह्म इन ऑर्डर टू बिकम ब्रह्म। यू डोंट मैरी सिंपली बाय लुकिंग एट समबडी। इफ दैट इज डन यू विल बी रुइंड। यू शुड नो प्रॉपरली ओनली देन मैरी। इज नॉट सो? Therefore, first you should know objectively what Brahman is. Baad mein experience. Isliye, with mind, no Shiva. First, yes, that is exactly true. Isliye, main usme Shiva ko dekhne ke liye main kya karna chahta hu? Shiva ke bare mein padhta hu. Usme sab kuch dekhta rehta hu. Dekho, ek drishtant deta hu. अभी ओ ओ बच्चा को छोड़कर ओ ऑफिस वर्क के लिए चला गया। ओ कुछ महीने और कहीं रहना पड़ा। क्या होता है, ये बच्चा का फोटो लेके जाता है ना, ओ उसमें बच्चा से बात करता रहता है, करता है ना, ये कैसा फोटो में बाप बच्चा को देख रहा है, वो बात भी कर रहा है। सब लोग ऐसा करते हैं क्या? ना, बच्चा ही तो करता है। क्यों? ये फोटो का मतलब, फोटो मतलब क्या है? बच्चा ही है। जो बच्चा को नहीं जानता है उसको क्या फोटो है, जो बच्चा को जानता है ये फोटो भी बच्चा ही है। समझ आ रहे हैं? इसलिए सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सोचो, इसको भी सोचो थोड़ा, हमारा साइकोलॉजी हम ही थोड़ा एनालाइज करके देखना है। तिरुपति को जाते हैं, बालाजी का दर्शन करना बहुत मुश्किल है ना, वो बहुत क्यों में उधर आना इधर आना बहुत मुश्किल से हो गया। आपको 10 सेकंड देता है या नहीं, जाओ 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 बोलता रहता। इतना परेशानी से आप गए हैं, 10 सेकंड है उनको। अब 10 सेकंड के अंदर क्या करते हैं, 3 सेकंड उधर देखते रहते हैं, बाद में 7 सेकंड ऐसा करते हैं, क्या जी करते हैं या नहीं, इसका मतलब क्या है? वहां पर का बालाजी जो है अविग्रह, उसके अंदर रहने वाला, हृदय में रहने वाला याद याद दिलाता है बालाजी इधर है, उसको याद दिलाता है। सब लोग ऐसा करते हैं, करते या नहीं, क्यों करते हैं? सब लोग कर रहे हैं। वहां पर देखो तमाशा, देखने के लिए ही गया है, आपको 10 सेकंड ही मिलता है, 3 सेकंड देखकर बाद में बाग बंद करते हैं। मतलब क्या है? ये ज्यादा मुख्य है, ये सेकेंडरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वत्र वही है। अंदर अंदर जाते जाते सबसे अंदर जो है उसको कीमत बहुत ज्यादा है ना। वाचारम्भम का मालूम हो गया ना, बाद में इसको पढ़ो। अभी कार्य और कारण के बारे में संबंध क्या है थोड़ा देखो। देखो कार्य कारण संबंध क्या है, शंकराचार्य जी इसका विश्लेषण इतना सुंदर संपूर्ण किया है, आपको आश्चर्य लगेगा। इसको अन्वय करके जहां कहां भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते, जहां कहा भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, मेडिसिन हो, हर एक जगह में
शंकराचार्य कार्य कारण संबंध के बारे में क्या बोलते हैं, उसको मन में रखकर अध्ययन किया बहुत ज़्यादा मालूम होता है ना। इसलिए कार्य कारण संबंध के बारे में थोड़ा देखो, बहुत गहरा है इसमें। ये कार्य कारण तो क्या है, मैं सच बोलता हूँ, सुनो, ये संपूर्ण वेदांत का, संपूर्ण वेदांत मतलब क्या है, संपूर्ण जीवन का वो आधार है, नींव है। इसको आप ठीक तरह से समझ लिया, वेदांत पूरा मालूम हो गया। ठीक समझा, फिजिक्स पूरा मालूम हो गया। इसको समझा, मेडिसिन पूरा मालूम हो गया। शंकराचार्य ऐसा किया। इसलिए मैं भी जब कार्यकारिणी के बारे में बात करता हूँ, आप अपना अपना वो स्पेशलाइजेशन जो कुछ है उसके अनुसार समझते रहो, मालूम हो जाता है। लेकिन मैं दृष्टांत देते समय सामान्य दृष्टांत देता हूँ, लेकिन आप किसी दृष्टांत को अन्वय कर सकते हैं, ये स्पेशलिटी है ना। अभी देखो जी, घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी ही है। कैसा बोलो, मैं घड़ा बोला, पूछा घड़ा मतलब क्या है, देखो क्या जी, कहाँ देख रहा, यहाँ पर स्पर्श किया, ये भी मिट्टी है, इसको देखो वहाँ पर भी मिट्टी है, जहाँ कहा देखो मिट्टी ही है। इसलिए घड़ा क्या है, स्पष्ट बोलो, मिट्टी है। एक जो आकार है, संपूर्ण आकार, उसको घड़ा ऐसा नाम रखा है, लेकिन वस्तु मिट्टी है। स्पष्ट हो गया ना, इसका मतलब क्या है, घड़ा मिट्टी को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह सकता। मिट्टी नहीं तो घड़ा बिल्कुल नहीं रह सकता। स्पष्ट हो गया, है ना। लेकिन घड़ा न रहने पर भी मिट्टी तो है ही। तमाशा देखो, मिट्टी न रहने से घड़ा बिल्कुल नहीं रह सकता, लेकिन घड़ा न रहने पर भी मिट्टी रहता ही है। स्पष्ट हो गया आपको, श्री मूल तत्व इसको याद रखो। मैं बोलता हूं, आप भी बोलिए, कार्य कारण से अलग नहीं है, लेकिन कारण कार्य से अलग है। अलग है किस अर्थ में, देखो कार्य कारण से अलग नहीं है, मैं देख रहा हूं, कारण को हटा दिया, कार्य नहीं रहता। देखो जी, घड़ा का दृष्टांत दिया, कपड़े का ले लो, ओ कपड़े का कारण क्या है, धागा है, मैं धागा निकाल दिया, कपड़ा है क्या, धागा में क्या है, रेशा है, रेशा का निकाल दिया, धागा है क्या। इसलिए कारण को निकाल दिया, कार्य नहीं रहता है, लेकिन कार्य को निकाल दिया, कार हट जाता है ऐसा नहीं, रहता ही है। कपड़ा नहीं है तो भी है धागा है, धागा नहीं है तो भी रेशा है, ठीक है या नहीं। मतलब क्या है, इसी को ऐसा बोलो, ओ कोई आत्मा चला गया मतलब मर गया बोलता है,
समझा ना, इसलिए हम मिट्टी को हटा दिया घड़ा मर जाता है, इसलिए घड़ा का आत्मा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी का आत्मा घड़ा ऐसा नहीं बोलना। घड़ा के आत्मा मिट्टी है लेकिन मिट्टी का आत्मा घड़ा नहीं नहीं है। समझ गए आपको? संस्कृत में बोलता हूँ, बोलिए। अनन्यत्वेपि कार्यकारणयोहो कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्य कार्यात्मत्वं। आत्मा बोला ना, कार्य की आत्मा कारण है ना, लेकिन कारण की आत्मा कार्य है ऐसा मत बोलना। मतलब क्या, आत्मा रह रहा मर जाता है, वो कार्य की आत्मा कारण है, कारण को हटा दिया मर जाता है, इसे आत्मा है, लेकिन कार्य को हटा दिया आत्मा नहीं मरता है। समझ गए ना, इसलिए कार्य की आत्मा कारण है लेकिन कारण की आत्मा कार्य है ऐसा नहीं बोलना। इसको ही कार्य कारण अनन्यत्व बोलता है। आखिरी में बोला नॉन डिफरेंस ऑफ इफेक्ट कॉज, नॉन डिफरेंस मतलब वो इफेक्ट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कॉज बट द कॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट। समझ आ रहा है सबको? देखो इसको पक्का रखो, अपने अपने फील्ड में अन्वय करते रहो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कुछ भी हो अन्वय करो, एक्सरसाइज होता है। नॉट ओनली दैट, यू विल सी न्यू थिंग्स। कार्य कारण को अन्वय करके देखा, आपको नए नए विचार मालूम होता है, साइंस में मालूम होता है, साइंटिस्ट नहीं जानते हैं इसको, बोला अरे 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 ऐसा क्या, आश्चर्य लगता है। अरे ये कार्य का अनुत न्याय जो है उसको न्याय बोलता है, ये वेदांत ज्ञान का आधार है। हमारे दूरदृष्टि से वो कार्य का अनुत का न्याय का मुख्यत्व लोगों ने नहीं देखा, इसलिए कुछ भी बात करते हैं। कार्य कारण के बारे में पूछा, लोग जानते भी नहीं, जानते भी नहीं मतलब क्या है पूछता है। वेदांत का सार ही वो है, इसलिए कार्य कारण के न्याय को अच्छा पकड़ो। है ना, अभी ये कार्य कारण न्याय है ना, अभी कार्य जगत है और कारण ब्रह्म है, इसलिए उसका मतलब क्या हुआ, जगत ब्रह्म से अलग नहीं है लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है। सुनो, ब्रह्म तक नहीं गया,
बीच में खड़ा होकर भी बोल सकता है। आपका जो हाई स्कूल में जो है वो बस बोलता है, सुनो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का कारण एटम्स है या नहीं, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स, बट एटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया आपका? एटम्स नहीं है तो, नहीं रहे तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल मर जाने पर भी एटम्स रहते ही है। बर्फ नहीं है, वो बाद में अबुर गर्म कर लिया, वो पानी भी नहीं है, सब कुछ भाप हो गया। क्या H2O नष्ट हो गया? H2O है। When a candle burns, nothing is lost, ऐसा सुना है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कारण है और अलग रूप से खड़ा होता है, नष्ट नहीं होता है। यह कारण नष्ट हो गया लेकिन ओ और किसी रूप में खड़ा होता है, वही कारण। बर्फ आकर चला गया, पानी आकर आ गया, पानी आकर भी चला गया, भाप का आकर आ गया, किसको? H2O। समझ आ गया आपको? इसलिए वो अभी एटम्स को इंटरमीडिएट कॉज बोलो, अवांतर कारण बोलो, ब्रह्म मूल कारण। मॉलिक्यूल्स का कारण एटम्स है, एटम्स का कारण न्यूक्लियस है, अवांतर कारण। लेकिन मूल में चला गया, कारण क्या है? ब्रह्म। अभी जो बोला उसको और थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, सुनो कैसा, ध्यान से समझना। अभी देखो जी, हम बड़े बड़े वस्तुओं को देखा है, मॉलिक्यूल्स को नहीं देखा है, है ना? लेकिन हमको साइंस में सिखाया है, इसलिए विश्वास रखो, सबका कारण मॉलिक्यूल्स है। मैं देखने पर भी मुझे मालूम है। अभी मैं जो देख रहा हूँ वो कार्य हो गया, उसका कारण क्या है? मॉलिक्यूल्स है। समझा? ठीक है, अभी सुनो, कार्य केवल बात है, वस्तु कारण ही है, याद आ रहा है? इसलिए जगत केवल बात है, वस्तु क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अभी मॉलिक्यूल से शुरू करो, मॉलिक्यूल्स भी वो भी केवल बात है, वाचारम्भण है। क्यों? उसका कारण अभिरेक है ना, वो क्या है? एटम्स है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं है, वहां पर देखा एटम्स भी कार्य ही है या नहीं? इसलिए वो भी बात है, वाचारम्भण है, इसलिए उसका कारण होना ही है। बिना कारण कार्य रह सकता है क्या? नहीं है। इसलिए वो जगत में भी एक कारण है, लेकिन मॉलिक्यूल्स वो कारण नहीं है, वो भी जगत ही है। उसका कारण क्या है? एटम्स है, वो भी वाचारम्भण है, उसके अंदर है। अंततो गत्वा कुछ ना कुछ रहना ही है ना।
नहीं तो नहीं रह सकता कारण के बिना। इसलिए जो चीज न रहने से जगत नहीं रह सकता है वो मूल कारण है। क्या समझ में आ रहा है सबको? जो चीज नहीं रहा जगत नहीं रह सकता, जगत भी नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल्स भी नहीं रह सकता, एटम्स भी नहीं रह सकता, न्यूक्लियस भी नहीं रह सकता, है ना। ये मूल कारण जो है वो कैसा रहना, वो वाचारंभ नहीं होना, वो क्या होना, तत्व होना, वो नहीं रहा तो जगत नहीं रह सकता। इसलिए जिस वस्तु रहने से ही जगत रह सकता है उस वस्तु क्या है पूछा, मूल में है ब्रह्म। समझ में आ रहा है? वाचारम्भणम्, वाचारम्भणम्, वागारम्भणम्, वागालम्भणम्, वाचा आरभ्यते, वागारम्भणम् इज ऑल्सो दट वाक, है ना। वागा आलम्बनम, आलम्बनम मतलब सपोर्ट, उसको समझाने के लिए सपोर्ट लेते हो ना, उसको बोलते हैं। मीन सेम थिंग, सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। ब्रह्म के बारे में समझा सबको? क्या फिर एक बार सुनो, वो कुछ भी कार्य वो रहता है हमको मालूम है, क्योंकि हम देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, नहीं है तो बोलते मूर्ख बोलता है। लेकिन है बोलते क्या है? अभी हम जो देख रहे हैं वो अभी कुछ समय है बाद में चला गया, नहीं है। देखो जी बाप ऐसा देखता था, कुछ देर के बाद बाप नहीं है। इसलिए जब बाप जो रहता है, रहने के लिए कारण बाप ही नहीं है, उसके अंदर और कुछ है ना, वो क्या है? H2O है, समझ गए ना, H2O मॉलिक्यूल है। बाद में देखो H2O मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल भी वस्तु नहीं है, वो भी वाचारम्भण है। क्यों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया, H2O नहीं है अभी, ठीक है या नहीं मालूम है? अभी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है, वो भी कार्य नहीं है, वो भी कार्य ही है, कार्य नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा मारा, अभी हाइड्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, और कुछ आ गया। इसलिए वो जगत रहने के लिए, भाप रहने के लिए, बर्फ रहने के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहने के, एटम्स रहने के लिए, वो रहने के लिए मूल में तो एक वस्तु होना ही है ना। वो जो न रहने से जगत नहीं रह सकता है वो ही ब्रह्म है। समझ आ रहा है सबको? स्पष्ट हो गया? इसलिए ब्रह्म ऐसा बोलते ही ये कुछ बात करते हैं जी, बहुत बहुत बात करते हैं, ऐसा नहीं होना। पक्का समझा आपको मालूम होगा, मैं सब कार्य कारण तो न्याय को न बोलकर, और ब्रह्म ऐसा है, ओ चिद्रूप है, आनंद रूप है,
ऐसा बोलते रहा, आकाश में कुछ बात हो रहा है, कार्यकांत न्याय से द्वारा ही जानना, उसके लिए शंकराचार्य लिखा है। इसको छोड़कर वेदांत बोलते हैं, इसलिए किसी को समझ में नहीं आता है। स्पष्ट हो रहा है सबको? मैं चाहता हूं आप वो इसको अलग लोगों को बोलते रहना, आप बारे में, आपके बीच में आप बात करते रहना, इसके बारे में चर्चा करते रहना। आप जो जो जहाँ जहाँ वेदांत को सुनते हैं वहाँ पर उनके कमरे में जाओ और पब्लिक सबके सामने ऐसा चर्चा नहीं करना। अकेला रहता है, जाओ महाराज ऐसा है, मैं जानना चाहता हूँ कार्यकारण संबंध क्या है, कार्यकारण संबंध क्या है, वो शास्त्र में बहुत कुछ है, तब देखेगा वो भी, नहीं तो फिर डम्ब लिसनर्स क्या फायदा है, उनको भी फायदा नहीं आपको भी नहीं है। है ना, साइंस भी तो ऐसे ही जा रहा है, कारण ढूंढता जा रहा है, साइंस भी तो ऐसे ही कर रहा है, कारण ढूंढता है हर चीज का। साइंस में साइंस भी तो कारण ढूंढ रहा है, साइंस भी तो कारण ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है कारण का कारण ढूंढ रहा है, है ना। ग्रॉस लेवल पे सुनो, बोलता हूँ क्या होता है, ये एक हद तक गया, एटम्स को भी मारा, कुछ ना कुछ आ गया, बाद में उसको भी कुछ करने के लिए गया तो पुस चला गया, क्या है किसी को मालूम नहीं है। है ना, अभी उसको बोलता है ना, उसको अभी जानता है इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ऐसा हो गया। अभी इसके आधार पर चिंतन कर रहे हैं, चिंतन 90 साल से कर रहे हैं, अभी तक नहीं समझा है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कैसा बढ़ना, आगे बढ़ना मालूम नहीं है। समझ आ गया आपको? इसलिए साइंस में अभी स्टैंड स्टिल हो गया, 90 साल से रिसर्च नहीं है, याद रखो, पूरा पूरा खत्म हो गया। क्यों? अभी कुछ एक हद तक आ गया, वहाँ पर बाद में देखा तो कुछ बोलने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है इतना जानता है। इसलिए अभी ठीक टाइम है वेदांत प्रवेश करने के लिए, टाइम ठीक है, चकित होते हैं वेदांत को बोलते ही, चकित हो रहे हैं। समझ रहे? इसलिए मूल कारण चाहिए, सब लोग जानते हैं उसको बोलने के बाद, समझ में आता है, लेकिन क्या है समझने के लिए बहुत श्रुति के द्वारा सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, वो जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है, जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, इसको रख कर याद रखो, जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। इसलिए वो वहाँ पर भगवद गीता में बोलता है ना, कहाँ कहाँ भगवान मैं आपको देख सकता हूँ, तुमको बहुत अच्छा अच्छा क्या जो लगता है तो सर्वत्र मुझे देखो, सर्पाणाम अस्मि वासुकिः महर्षिणां च नारदः, आता है ना बार बार, मतलब क्या, ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसा लगा उसमें मुझे देखो, जो आकार है उसको ही पकड़ो, आकार को लेकर
पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, चिंतन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जाप करते रहो। ऐसा बहुत समय करते 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 बाद में क्या होता है, जगत से ब्रह्म अलग है ना, वो ब्रह्म को समझने के लिए तैयार होता है, बुद्धि तैयार होता है। बुद्धि से ही ब्रह्म को समझना पड़ेगा। बुद्धि जब तक वो उसमें धारा अच्छा नहीं है तब तक उसको नहीं समझ सकते। ये धारा ठीक रखने के लिए ऐसा करते रहना। यस सुनो बोलता हूँ, ज्ञान से शुरू होता है, अनुभव में आखिर में आता है ना। अभी बोलता हूँ सुनो, अभी वो आम का फल का स्वाद मालूम है, केले का स्वाद मालूम है आपको, लेकिन दोनों में फर्क है टेस्ट में। वो कहाँ है? अनुभव में है, बोल नहीं सकता मैं कह ना। इसलिए अनुभव में जो आता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसका अनुभव को पाने के लिए इससे शुरू करना, इसको समझते रहना। कहाँ से समझते रहना? ये सब कुछ ओ इसके बारे में, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो खुश होता है अंदर से, वो धीरे धीरे वो भाव और ब्रह्म को पकड़ने के लिए बुद्धि तैयार होती है, नहीं तो तैयार नहीं होगी। मैं बार बार बोलता हूँ सबको, खूब जाप करो, खूब पारायण करो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। वो जो आनंद मिलता है ना, आनंद नहीं मिलेगा। सुनते हैं लेकिन आनंद मिलना है तो ये करना ही पड़ेगा। है ना? Tell it once again. शास्त्र ओनली कंटेन। कारण लिखो, ब्रह्म को जगत से संबंध नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ हम देखते हैं, सोचते हैं, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति सब कुछ है ना, ये सब कुछ जगत से ही होता है, ठीक है। नहीं, अनुमान भी जगत को देख कर ही अनुमान करना, उपमान भी है, अर्थापत्ति सब कुछ जगत से संबंध ही नहीं है। उसको देख नहीं सकता, अनुमान नहीं कर सकता, उपमान नहीं है, अर्थापत्ति नहीं है, क्या करना? श्रुति को ही पकड़ना। इसलिए श्रुति के लिए इतना कीमत है, श्रुति ही समझाती है। इसको समझने के लिए तुम क्या करना, उसको करो, बोलता है ना। जब तक मैं नहीं करता हूं तब तक कैसा मन में आता है? नहीं आएगा। है ना? इसलिए एक क्रम है। अभी जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है, है ना। इस वाक्य को बोलो, ब्रह्मस्वभावो हि प्रपंचः, न प्रपंचस्वभावं ब्रह्म।
ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच है, प्रपंच ब्रह्म का स्वभाव अनुसरण करके ही है, ब्रह्म है इसलिए ये भी है ना। लेकिन न प्रपंच स्वभाव पर क्या है, ब्रह्म भी है जगत भी है, लेकिन कैसा है, ये बदलता है वो नहीं बदलता है, ये प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं है ना। इसलिए वो देख न सकने वाला ब्रह्म जगत है, देख नहीं सकता वो ब्रह्म अलग है ना। उसको पहुंचने के लिए बहुत कुछ साधना करना पड़ेगी। अभी ओ इसको न जानकर जगत को आपने पूछा ना, स्वतंत्र रूप से देखा ब्रह्म को छोड़कर, ब्रह्म से अलग ऐसा समझा, तब वह जगत नहीं है। ब्रह्म के बिना चारों तरफ रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। इसलिए ओ नहीं मैं देख रहा हूँ है ब्रह्म से अलग ही है ऐसा बोला, ये जो समझा है वो मिथ्या है। अभी सुनो, क्या जी मैं बर्फ ऐसा देख रहा हूं, उसका कारण क्या, अंदर क्या है पूछा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है बोलते, हाइड्रोजन का स्वभाव क्या है जलता है, ऑक्सीजन का स्वभाव क्या है जलन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, लेकिन दोनों रहा अच्छा जलना और अच्छा जला, लेकिन पानी में ऐसा अभ्यास रहता तो बुझ जाता है, ये पानी का कारण हस्टुओ, मतलब क्या जी हस्टुओ कुछ भी है ये अलग है ऐसा कोई बोला, वो मिथ्या है या नहीं, क्योंकि कारण के बिना नहीं रहता है कुछ भी, लेकिन वो हट कर रहा है वो कारण के बिना ही है स्वतंत्र है ऐसा बोल रहा है, इसलिए वो ठीक है जी आप जो बता रहे हैं वो मिथ्या है। सामने वाला जगत मिथ्या नहीं है, वो जो समझा है वो मिथ्या है, स्पष्ट है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर स्वतंत्र रूप से जगत को नहीं जानना, ब्रह्म के साथ साथ ही जानना पड़ेगा। ब्रह्म से स्वतंत्र रूप से रहने वाला जगत में मतलब नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। बोलो कार्यमाकाशादिकम् बहुप्रपंचम् जगत् कारणम् परम ब्रह्म तस्मात् कारणात् परमार्थतो अनन्यत्वम् व्यतिरेकेण अभाव कार्यस्य। क्या है जगत है ना, ये जगत कार्य है, कारण ब्रह्म है ना, सब कुछ इसलिए ब्रह्म है, उसको छोड़कर ब्रह्म से अलग समझा वो जगत है ही नहीं। व्यतिरेकेण अभाव प्रपंचस्य ना, कह रहा यहाँ पर रुकेंगे। बोलो श्रुति स्मृति पुराणानां ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविहारिणे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।